नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उपचुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने नामांकन भी कर दिया है, लेकिन मोकामा की चर्चा ज्यादा हो रही है। वो चर्चा इसलिए भी कि इस सीट पर दावेदारी काफी मजबूत है अनंत सिंह, और दूसरी तरफ ललन सिंह अब भाजपा के टिकट पर कमल छाप पर उतर गए हैं। तो और ये जो समीकरण है, ये जो लड़ाई है, ये कांटे की हो चुकी है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे प्रत्याशी भी है जो समीकरण बिगाड़ने के लिए मैदान में कूद रहे हैं। दरअसल पिछला रिकॉर्ड अगर हम आपको बता दें तो बोचहां का चुनाव आपको याद होगा, कैसे मुकेश सहनी उतरे और मुकेश सहनी के साथ पृथ्वी माली, जो राष्ट्रीय जन परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी को उतारा। हालांकि अंत में मुकेश सहनी का उन्होंने समर्थन किया और उनका मानना था कि जो उन्होंने वोट डिलीवर कराया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था वहां के समीकरण को बिगाड़ने के लिए। तो एक बार फिर से पृथ्वी माली उतर रहे हैं मोकामा में, यानी अनंत सिंह और ललन सिंह दोनों के बीच जहां टक्कर होगी वहां ये पहले प्रत्याशी होंगे जिन्होंने आधिकारिक तौर पर ये बातें स्वीकारा है कि जल्द ही वो अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। हालांकि कब उतारेंगे, कौन से प्रत्याशी होंगे, ये बात अभी सामने नहीं आई है। सूत्रों के हिसाब से खबर निकलकर सामने आ रही है कि धीरज कुमार को वहां से प्रत्याशी बनाया जा सकता है भारतीय जन परिवार पार्टी की तरफ से, जो उनके समीकरण का हिस्सा है। ये चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है कि उस जगह पर कहीं ना कहीं एक तरफ मुकेश सहनी मैदान में आएंगे, एक तरफ चिराग पासवान के आने की संभावना है, वही दूसरी तरफ पृथ्वी माली अगर आ जाते हैं तो वहां का समीकरण कहीं ना कहीं टफ हो जाएगा। अति पिछड़ा वोट बैंक पर उनका दावा है। साफ तौर पर वो मानते हैं कि अति पिछड़ों का जो वोट बैंक है और खासतौर पर उनके जो समाज के लोग हैं उनका वोट बैंक उनको डिलीवर होगा। एक तरफ मलाओं के वोट बैंक के डिलीवर का दावा मुकेश सहनी करते हैं, पासवान के वोट बैंक का डिलीवर का दावा चिराग पासवान करते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी माली भी दावा कर रहे हैं। अब इंतजार करना होगा कि ये जो चुनाव है वो क्या अनंत और ललन के बीच रह जाएगा, या बीच में जो प्रत्याशी कूद रहे हैं, या बीच में हो सकता है जन परिवार पार्टी कूदे या अन्य पार्टियां वीआईपी या लोजपा रामविलास, तो ये समीकरण बिगाड़ेगी या उन प्रत्याशियों को कुछ नहीं होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सामाजिक समीकरण बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इसी बीच कहीं ना कहीं पृथ्वी माली का वहां से उतरना स्पष्ट करेगा कि आने वाले दिनों का मोकामा का समीकरण कैसा होगा, मोकामा में क्या बदलाव होंगे, और इस बदलाव के जरिए मोकामा किस ओर रुख करेगी, मोकामा की जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगी। लगातार अनंत सिंह का दबदबा रहा है, तो क्या अनंत सिंह जीत पाएंगे, क्या नए प्रत्याशी खेल बिगाड़ पाएंगे, तमाम सवाल है। लेकिन वोटिंग के दिन का इंतजार करिए और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कौन कौन से प्रत्याशी कितने वोट को डिलीवर करा पाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386